प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा में तमाम टीटी शिक्षकों को मौका देने की मांग पर शिक्षकों के कई समूह स्थानीय विधायकों मंत्रियों व नेता प्रतिपक्ष से मिले। टीटी एसटीईटी उत्तरीन नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सूबे के विभिन्न जिलों से पटना पहुंचे शिक्षकों ने इस मसले पर विधायकों से अविलंब पहल का निवेदन किया है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भूतपूर्व सांसद शिवानंद तिवारी, लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान, राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, बिहार विधानसभा विरोधी दल के मुख्य सचेतक ललित यादव, विधायक शालिनी मिश्रा, सिद्धार्थ पटेल, सुरेंद्र मेहता, राजकुमार सिंह, माले विधायक महबूब आलम, संदीप सौरभ, मनोज मंजिल ने टीटी शिक्षकों के मसले पर पहल का आश्वासन दिया। संघ के जिला अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता धनंजय झा ने कहा कि प्रधान शिक्षक नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापित में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीईएफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाकर टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को परीक्षा से वंचित करने का कूचक्र रचा जा रहा है, जबकि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु विभागीय अधिसूचनाओं सुधार हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय के दायर याचिका CW UGC 16633/2021 में जारी अंतरिम आदेश में माननीय न्यायालय ने संघ के सदस्यों को अर्थात टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को बिना शर्त परीक्षा में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को लेकर के सरकार की तरफ से जो बहाली लाई गई है और उसमें जो नियमावली बनाई है सरकार ने, वो पूरी तरीके से अतार्किक है और वो जानबूझ करके इस तरह का नियम बनाया गया है कि जितने भी बिहार के अंदर टेट और स्टेट क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक नियोजित हुए हैं उनमें से अधिकांश लोग उस बहाली को फुलफिल ही ना कर पाए, उसमें आवेदन दे ही ना सके। जैसे सरकार कह रही कि आपका प्रशिक्षण और जो ज्वाइनिंग है इसमें जो बाद में हुआ उसके बाद 8 साल का समय होना चाहिए, 8 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि बिहार के अधिकांश नियोजित शिक्षक जो हैं वो 17 में 18 में 19 में उन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो ऐसे एक झटके में सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। तो सरकार इतने लंबे समय बाद, जब जान रहे हैं हम लोग कि स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ प्रधान शिक्षक नहीं है, उस इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद सरकार ने बहाली लाया और बहाली को इस तरीके से लाया कि सीटें खाली रह जाए या अगर कोई आए भी तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं वही आ पाएंगे क्योंकि वहाँ पर सर्टिफिकेट बनाना बैक डेट से बहुत आसान है। तो ये गलत है, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसको हम लोग विधानसभा में सरकार को एक चिट्ठी भी देंगे, हालांकि 17 अभी कम बचा हुआ है, लेकिन हम लोग सरकार को इससे अवगत करवाएंगे और हम चाहेंगे कि इस नियमावली में इसके रूल और रेगुलेशन में बदलाव लाया जाए। मांगे तो बहुत जायज हैं आप लोगों की, आपका कहना है कि ट्रेन टीचर जितने भी हैं उनको मौका देना चाहिए प्रधान शिक्षक की बहाली में, बिहार सरकार जो कर रही है बहुत जायज मांग है। इसकी मांग मैं शून्यकाल के दौरान भी उठाऊंगी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी ध्यान आकर्षण के तहत आज दिया जाएगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मैं बात करूँगी। न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।